सोनिया? You mean? हाँ, मेरी बड़ी बहन, मेरे पति की पहली बीवी। याने अपनी बहन के पति से तुम्हारी शादी? I don't understand. कभी-कभी जो होना होता है ना सनी, वो हो जाता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले। मतलब? काश उस दिन मेरा जन्मदिन नहीं होता। काश उस दिन पापा ने स्टोर की ओपनिंग नहीं रखी होती। काश उस दिन मैंने जबरदस्ती अपना एटिकेट दीदी को ना दिया होता कि वो बैंगलोर जाए। मैंने कहा कबीर को मैं संभाल लूंगी, तुम चली जाओ, वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। तुम तो जानते हो ना सनी, बचपन से ही वो मेरी सारी परेशानियां अपने सर पे ले लिया करती थी। उसने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखती थी, वो सब कुछ मुझे दे देती थी। मेरे हिस्से की मौत भी वही ले गई। उसकी मौत की गिल्ट से बचने का एक ही रास्ता था मेरे पास कि मैं अपनी बच्ची खुची सारी जिंदगी उस मासूम कबीर के नाम कर दूं। और इसीलिए मैंने सुधीर से शादी की, लेकिन वो मर कर भी नहीं मरी, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। I'm leaving, Sunny. Simran, listen to me. This is not right. Simran, मेरी बात सुनो, Simran. I'm leaving. It's not right. Simran! मैं जा रही हूँ, Sunny. ये ठीक नहीं है. I forgot my file.
सनी, ये ठीक नहीं है. सनी, इट्स नॉट राइट. सर, ये ठीक नहीं है. हेलो हेलो सिमरन यार, मैं शाम से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ. तुम्हारा फोन बंद था क्या? कहाँ हो तुम? बस अभी भी घर पहुंची हूँ. अच्छा सुनो, योर हस्बैंड हैड कॉल्ड आफ्टर यू लेफ्ट. हाँ, व्हाट डिड ही से? वेल, द बॉस पास में खड़ा था जब फोन आया, तो मुझे कहना पड़ा कि तुम डेंटिस्ट के पास गई हो. थैंक्स नरगिस. ओके, दैट्स ओके. अच्छा सुनो, एक बात सुनो, ये जो तुम्हारी मीटिंग थी, ये काफी देर तक चलती रही, नहीं? ओके, बाय. I'm sorry, Simran. I'm really very, very sorry. सुबह से शाम तक में सब कुछ बदल चुका था. उससे नजरें चुराकर खुद को समेटते हुए मैं वहां से चली तो आई, मगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझ में अचानक आए इस बदलाव को देखकर सुधीर को शक हो जाएगा. अब बात सिर्फ वक्त की थी जब शक की वो जड़ें हम दोनों के बीच की दरारों को इतना गहरा कर देंगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा.